हेलो, गुड इवनिंग गाइस. आई होप आई एम ऑडिबल, विजिबल टू ऑल. हाँ भाई गाइस, सभी लोगों को दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ. जी पल्लवी, आसमा भाई, एक बार थम्सअप दिखा दो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी लोग क्लास में हो. जल्दी से. आंशिका, कुसुम, निखत, विक्रांत, साक्षी, थैंक यू गाइस. हाँ भाई, सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिए. हाँ जी जी मुर्शिदा, जिज्ञासा, ऋषिका, आसमा, जी चलिए भाई स्टार्ट किया जाए. जस्टिस जुवेनाइल एक्ट, हाँ जी दोस्तों भाई स्टार्ट किया जाए. सभी लोग आ गए. देखो दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ, मगर साथ में आप लोगों को इसमें कुछ बता दूँ कि देखो हम इसमें क्या क्या और कैसे कैसे बात करने वाले हैं. एक बार मैं आप लोगों को इसके रेफरेंस में बता भी देना चाहता हूँ. एक अपने आप में अच्छा खासा बड़ा एक्ट है जिसमें 112 सेक्शंस हैं, क्योंकि अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट को देखो तो इंडियन एविडेंस एक्ट में भी 167 सेक्शंस हैं और इसमें भी 112 सेक्शंस हैं. तो इस एक्ट को कैसे पढ़ना है, तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाएंगे और उसके बाद इस एक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे. ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि भाई आप अनअकैडमी के साथ जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो. साथ ही इस समय आप लोगों के साथ ऑफर भी चल रहा है जो कि 31 मार्च तक वैलिड है. यहाँ आप फैज़ान 92 कोड यूज़ करके इसे ज्वाइन कर सकते हो. भाई अगर आप फैज़ान 92 कोड यूज़ करते हो तो 31 मार्च तक, यानी कि कल तक, ये ऑफर वैलिड है. 20% तक का ऑफ मिल रहा है और 12 महीने का एक्सटेंशन भी है. तो जल्दी से आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो फैजान 92 कोड के साथ. बाकी मैं आप लोगों के साथ राजस्थान एपीओ के लिए तैयारी करा ही रहा हूँ, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो. चलिए भाई दोस्तों, अब इसी के साथ हम लोग एग्जाम की तैयारी के लिए, हम लोग चलते हैं. यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की. जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. चलिए भाई दोस्तों, भाई सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. भाई कब का एक्ट है? 2015 का एक्ट है. सेक्शन 1 से लेकर 112 तक इसमें सेक्शन दे रखे हैं. भाई एक सेकंड देना यार गाइस. पेन का ये थोड़ा सा इशू है, सॉरी गाइस, वो थोड़ा सा पेन का इशू था. हाँ जी, तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के बारे में, 2015 के बारे में आप लोगों से बात करने वाला हूँ. भाई सेक्शन 1 से लेकर 112 तक दे रखा है. कब एनफोर्समेंट में आया था? हाँ भाई बोलो जी, कब एनफोर्समेंट में आया था ये एक्ट, कौन बताएगा? और कैसे एनफोर्समेंट में आया था, और ये जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की ज़रूरत ही क्या है? भाई कोई मुझे बताना चाहेगा कि जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की ज़रूरत ही क्या है? तो इसके रेफरेंस में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लियर कर देता हूँ कि भाई हम जस्टिस जुवेनाइल एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को इसे पढ़ने में आसानी रहे. ये 112 सेक्शंस जो आप लोगों को मिल रहे हैं, इसमें क्या क्या और कैसे कैसे लिखा होगा, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के थ्रू. भाई सबसे पहले तो देखो एक बात समझो, ये जो स्टेट है, यानी कि जो भी स्टेट है, स्टेट का मतलब है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, इन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये अपने जो सिटीजन्स हैं इनका ध्यान रखें. जो सिटीजन्स हैं उनका ध्यान रखें, ये जो है स्टेट की जिम्मेदारी है, जिसे हम जानते हैं गार्जियन एड लिटम के नाम से, या फिर ऐसे बोलूँ हम जानते हैं एक डॉक्ट्रिन पेरेंटिस पेरेंटिया के नाम से. पेरेंटिस पेरेंटिया, इसका क्या मतलब होता है कि स्टेट जो है वो सारे सिटीजन का गार्जियन है. स्टेट जो है वो गार्जियन है सारे सिटीजन्स का, यानी कि
स्टेट जो है वो माँ बाप की तरह सारे सिटीजन्स की देखभाल करेगा, ये पेरेंटिस पेरेंटिया की डॉक्ट्रिन कहती है। यानी कि अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत सारे DPSP आप लोगों से इस तरीके की बात करते हैं, जहाँ स्टेट के ऊपर सिटीजन्स की बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, मगर जब बात आती है इन सिटीजन्स में से चिल्ड्रन की तो जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ जाती हैं। जब बात आती है इन सिटीजन्स में से चिल्ड्रन की तो बात और भी जिम्मेदारियों के साथ बढ़ जाती है। तो इसके रेफरेंस में अगर आप देखोगे तो आप लोगों को बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मिलेंगे जो आप लोगों से बात करते हैं चिल्ड्रन के बारे में, कि चिल्ड्रन जो है इसकी जिम्मेदारी सिटीजन को निभाने की जरूरत, स्टेट को निभाने की जरूरत है, ताकि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम करे और चिल्ड्रन जो है, जो कि कल होने वाला देश का फ्यूचर है, जो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड में कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, इन लोगों को सही से ग्रोथ किया जा सके। क्योंकि अगर देश के चिल्ड्रन जो है वो सही से ग्रो नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा भाई, आगे चलकर वो जो है देश के लिए बर्डन बन जाएंगे। इसलिए स्टेट की जिम्मेदारी है कि अपने देश के सिटीजन्स जो हैं, जो कि चिल्ड्रन हैं, उन्हें क्या करें, उनकी जिम्मेदारी को सही से निभाएं। इसलिए अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को ऐसे आर्टिकल मिलेंगे जो कि चिल्ड्रन के बारे में बात करते हैं। भाई जैसे कि आर्टिकल 21A में आप लोगों को बताया जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चे को सही एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 51 क्लॉज A के में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में बता रखा है कि जो 6 से 14 साल का बच्चा है इसे प्रॉपर एजुकेशन दिलवाना है, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट अगर आप आर्टिकल 23 में देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि यहाँ जो चिल्ड्रन का एक्सप्लॉयटेशन है उन चिल्ड्रन को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, ये सेक्शन 23 में लिखा है। सेक्शन 24 आप लोगों से कहता है जो बच्चा 14 साल की उम्र तक का है उसे हम किसी भी तरीके के हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट में, फोर्स्ड लेबर में काम नहीं करने देंगे। इनफैक्ट आर्टिकल 47 आप लोगों से बात करता है अर्ली चाइल्डहुड केयर की। तो इस तरीके से हम एक बच्चे के जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, एक बच्चे के जीवन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कल को जब वो बड़ा हो तो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करे, और यही तो आने वाले समय में देश का फ्यूचर है। इसलिए चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मगर सपोज करो यहाँ अगर ये चिल्ड्रन क्या हो जाए, ये चिल्ड्रन जो है वो बिगड़ जाए, यानी कि अब तो चिल्ड्रन सही चल रहा है, ग्रोथ की जिम्मेदारी है, मगर ये चिल्ड्रन जो है वो बिगड़ने लगे तो उस केस में क्या किया जा सकता है। तो बिगड़ने की भी ना स्टेजेस हैं। बिगड़ने का क्या मतलब है, बिगड़ने का मतलब है कि जो सोसाइटी में चीज़ें चलती हैं, जो सोसाइटल नॉर्म्स काम करते हैं, वो बच्चा उनसे हटकर चलने लगे। भाई जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, सबसे पहले बदतमीजी की जो सीढ़ी चढ़ता है बच्चा, वो कैसे चढ़ता है, तो उसके लिए वर्ड होता है इस्तेमाल डेलीक्वेंट। डेलीक्वेंट इसका मतलब ये होता है कि बच्चा अब सोसाइटी के हिसाब से बदतमीज हो चुका है, मतलब माँ बाप से बदतमीजी करता है, लोगों से लड़ता झगड़ता है, स्कूल कॉलेज टाइम से नहीं जाता है, हरकतें खराब होती चली जा रही हैं, इसे हम कहते हैं डेलीक्वेंट चाइल्ड। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डेलीक्वेंट चाइल्ड, यानी कि अभी ये बच्चा सोसाइटल नॉर्म्स में विश्वास नहीं रखता, यानी कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स है ये सोसाइटल डेविएशन में आ चुका है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डेलीक्वेंट चाइल्ड। इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है डेलीक्वेंट चाइल्ड। अब इससे ऊपर की सीढ़ी आती है। अब ये है कि ये जो बच्चा है वो कैसा हो गया है, अब ये डेलीक्वेंट चाइल्ड जो है वो ज़्यादा बिगड़ गया है, और बिगड़ने के बाद अब वो एक ऐसा हो गया है, अब ये जुविनाइल हो गया है। सर जुविनाइल और डेलिक्वेंसी में क्या फर्क होता है? भाई डेलिक्वेंसी में कोई बच्चा सोसाइटल नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहा होता, जबकि कोई बच्चा जुविनाइल के अंदर क्या करता है, ये जो है किसी लॉ का वॉयलेशन कर चुका होता है, किसी लॉ का वॉयलेशन कर चुका होता है। जैसे कि भाई देखो, अगर सोच के देखो तो माँ बाप से अगर कोई बदतमीजी कर रहा है तो वो सोसाइटी के हिसाब से तो क्राइम है, मगर वैसे अगर आप देखोगे तो वो लॉ के हिसाब से क्राइम नहीं है। तो इसलिए ऐसे चाइल्ड को हम डेलिक्वेंट कहते हैं, मगर कानून में ऐसी चाइल्ड को कोई सजा नहीं दी जा सकती।
मगर सपोज करो वो चाइल्ड जो है वो क्या करने लगे, वो चोरी करने लगे, रॉबरी करने लगे, डकैती करने लगे, लोगों के साथ बदतमीजी करने लगे, लोगों को इंजर पहुंचाने लगे, तो ऐसे चाइल्ड को लॉ का वॉयलेशन कर चुका है, तो ऐसे चाइल्ड के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है जुविनाइल। तो उम्मीद करता हूं कि ये चिल्ड्रन डेलिक्वेंट कब कहलाता है, जुविनाइल कब कहलाता है, ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। बोलिए भाई बात, ये जुविनाइल वर्ड कहां से निकल कर आया है, ये बात समझ आ रही है? पहले तो ये बताओ, ये जुविनाइल वर्ड की बात समझ आई कि ये जुविनाइल वर्ड कहां से आया? बोलो भाई दोस्तों, जल्दी से बताओ, ये जो बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को दिया, क्या ये बैकग्राउंड आप लोगों को पसंद आया है? हाँ भाई दोस्तों, जल्दी से बताओ। अरे भाई आप लोगों के मैसेजेस नहीं आ रहे दोस्तों। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच गाइस। चलिए अब इसके रेफरेंस में हम लोग थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। भाई अगर आप इसके रेफरेंस में देखोगे तो आप लोगों को एक बात नज़र आएगी, वो ये है कि इस जुविनाइल को इस चिल्ड्रन के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है। भाई ये जस्टिस जुविनाइल एक्ट कहाँ से आया? ये जो जस्टिस जुविनाइल एक्ट है ये कहाँ से आया? तो इसके रेफरेंस में आप लोगों को आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन का नजर आएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन का नजर आएगा जो आप लोगों से कहता है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, कि भाई जो चिल्ड्रन हैं और जो वुमेन हैं इनसे रिलेटेड स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है, इससे रिलेटेड स्पेशल लॉ बनाया जा सकता है। इसके बारे में आप लोगों को यहाँ क्या बताता है भाई, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 बताता है। तो अब इसी पॉइंट से रिलेटेड ये लॉ बनाया गया है जिसे हम जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसके रेफरेंस में यहाँ क्या किया जा रहा है भाई, यहाँ बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है, बच्चे को यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। और बच्चे को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाती है तो एक बार ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भाई अगर आप इस बेयर एक्ट को गो थ्रू करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा, इसमें दो तरीके की बच्चे की केयर एंड प्रोटेक्शन की जाती है। भाई लिखा है ना केयर एंड प्रोटेक्शन, तो दो तरीके के बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन यहाँ की जा रही है। एक बच्चा है जुविनाइल, एक बच्चा है जुविनाइल, इसकी केयर और प्रोटेक्शन की जाती है। और एक बच्चा जो है जो कि बिना पेरेंट्स का है, यानी कि जो बच्चा ऑर्फेन है वो, तो दो तरीके के बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन से आप लोगों को ये लॉ डील करता हुआ नजर आएगा। एक जुविनाइल यानी कि जो बच्चा पूरी तरीके से लॉ का वॉयलेशन कर चुका है, सोसाइटल नॉर्म्स को मन नहीं मानता है और अब लॉ के वॉयलेशन पर आ गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि उस बच्चे का जो कंट्रीब्यूशन है वो देश की इकोनॉमी में ना रहे, वो बच्चा बिगड़ जाए, कल को फ्यूचर देश का अच्छा ना रहे, इसलिए ऐसे बच्चे की जिम्मेदारी उठाने का काम सरकार का आ चुका है। इसी तरीके से एक ऑर्फेन बच्चा जिसके माता पिता नहीं हैं और उसका कोई भी सोसाइटी में नहीं है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बच्चा बिगड़ जाए, इसलिए यहाँ इससे रिलेटेड ये लॉ डील करता है। तो अगर आप देखोगे तो आप लोगों को जो चैप्टराइजेशन है जस्टिस जुवेनाइल एक्ट का वो ऐसे ही नजर आएगा। इसके अंदर यहाँ आप लोग अगर देखोगे तो आप लोगों को ये दोनों बच्चों की जो जिम्मेदारी है वो जस्टिस जुविनाइल बोर्ड उठाता हुआ नजर आएगा, जस्टिस जुविनाइल बोर्ड इसके बारे में बात करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे जस्टिस जुविनाइल एक्ट के बारे में। तो अगर आप इस एक्ट के प्रियम्बल को देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि इस एक्ट का प्रियम्बल आप लोगों से क्या कहता है। तो इस एक्ट का प्रीएम्बल आप लोगों को बताता है कि यहाँ कंसोलिडेट और अमेंड कर रहे हैं कौन सा लॉ, जिसके अंदर कोई बच्चा कन्फ्लिक्ट विद लॉ है,
यानी कि कोई चीज़ बच्चा जो है वो कन्फ्लिक्ट और इन लॉ है और जिसे केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कोई बच्चा यहाँ कन्फ्लिक्ट विद लॉ है यानी कि उसके ऊपर एलिगेशन लगे हुए हैं कि उसने लॉ का वॉयलेशन किया है और उसको केयर और प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कैसे? ताकि उसे बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जा सकें, जैसे कि प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, सोशल री इंटीग्रेशन यानी कि उसे दोबारा से सोसाइटी में ले जाया जा सके। मगर कैसे? तो ये कहते हैं इसके रेफरेंस में फ्रेंडली अप्रोच से उसे लेकर जाया जा सके। और उसके बाद यहाँ ये कहते हैं जो कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन में हो, यानी कि अगर किसी बच्चे को यहाँ जस्टिस जुविनाइल बोर्ड में भेजना है, जो बच्चा ऑर्फन है, तो उसके भी इंटरेस्ट का ख्याल रखा जाएगा। और इसके रेफरेंस में इस एक्ट के अंदर ऐसे इंस्टीट्यूशन और बॉडीज़ को एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये आप लोगों से जस्टिस जुविनाइल एक्ट का प्रियम्बल कहता हुआ नज़र आता है। भाई, उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। भाई, जल्दी से बता दीजिए, क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई? चलिए, अब आइए इसके रेफरेंस में आगे की बात कर लेते हैं। भाई देखो, मैंने आप लोगों को इसके रेफरेंस में बता दिया कि आर्टिकल 15 क्लॉज ई में लिखा है, 39, 45, 47 ये बातें मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि देखो, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2015 में आया, इससे रिलेटेड पहले कुछ कन्वेंशंस थी जो राइट ऑफ चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करती थी। 1985 की प्रोटेक्शन है, 1990 की प्रोटेक्शन है और 1993 की प्रोटेक्शन है। इससे पहले जस्टिस जुवेनाइल एक्ट 2000 का हुआ करता था, बाद में लॉ को टाइमली चेंज किया गया और 2015 का ये एक्ट जो है अब हमें नजर आता है। ये है बेसिक ऑफ जस्टिस जुवेनाइल एक्ट। आप देख सकते हो भाई, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में यहाँ इसे किस प्रिंसिपल के बेसिस पर बनाया गया है। भाई, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट को बनाने का पर्पस क्या था? तो ये कहते हैं पहली बात, भाई जो बच्चा है उसे हम इनोसेंट प्रज्यूम करेंगे और इसके अंदर हम ऐसी चीजें करेंगे ताकि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में हो, परिवार बच्चों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहे, परिवार बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके और बच्चे के साथ स्टिग्मा अटैच ना हो। भाई क्या होता है ना, कोई बच्चा सोसाइटी में क्राइम कर देता है, कोई बच्चा सोसाइटी में क्राइम कर देता है तो उस बच्चे के साथ स्टिग्मा अटैच हो जाता है। जैसे कि मैंने एक रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी, एक स्कूल बस में एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता हुआ, उस ड्राइवर ने उसे पकड़ लिया था। बाद में पता चला एक्चुअल में ड्राइवर ही उस बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज था। तो बाकी टाइम उसके साथ के जो बच्चे थे उससे वो क्या करने लगे थे, उसे जो है वो स्टिग्मा अटैच कर दिया था। पूरे स्कूल में कोई उससे बात नहीं करता था कि वो गंदा बच्चा है। तो ऐसे स्टिग्मा अटैच ना किए जा सके उस बच्चे से, इसलिए इस प्रिंसिपल के बेसिस पर ये लॉ बनाया गया ताकि वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट कर सके अगर उससे कोई गलत काम हो भी गया है। तो इस तरीके से यहाँ इस लॉ को इस पर्पस से बनाया जा रहा है। तो बार बार आप लोगों को इन प्रिंसिपल्स का यूज आता है जब हम बात करते हैं जस्टिस जुवेनाइल एक्ट के बारे में। ये देखो, यहाँ आप लोगों को दिखाई भी देगा कि इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ इसे हैंडल करेगा जस्टिस जुवेनाइल एक्ट। और उसके बाद अगर केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है तो उसे यहाँ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैंडल करेगी। भाई, मैंने आप लोगों को बताया था ना इसके रेफरेंस में, अगर कोई बच्चा बिगड़ गया है तो उसे हम किस नाम से बुला रहे हैं, इसे हम बुला रहे हैं जुविनाइल के नाम से। और ये जुविनाइल जो है वो हैंडल किया जाएगा किसके द्वारा, जुविनाइल बोर्ड के द्वारा। और केयर और प्रोटेक्शन है यानी कि कोई बच्चा ऑर्फेन है तो इसका जो प्रोटेक्शन होगा वो करेगी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। इसका प्रोटेक्शन जो है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी करेगी, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब किस बच्चे को यहाँ कन्फ्लिक्ट विद लॉ माना जाए, यानी कि ये कौन सा बच्चा माना जाए कि वो बच्चा अब बिगड़ चुका है, तो ये कहते हैं जो भी बच्चा 18 साल से कम उम्र का है उसे हम यहाँ क्या मानेंगे, बच्चे को कन्फ्लिक्ट विद लॉ मानेंगे। बच्चे को कन्फ्लिक्ट विद लॉ मानेंगे अगर वो 18 साल से कम उम्र का है। मगर आप मुझे बताओ कि हम क्या इस लॉ को सिर्फ ऐसे ही पढ़ सकते हैं? आपको याद हो तो हम आईपीसी में बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि भाई कोई भी बच्चा जो कि 0 से 7 ईयर्स का है तो ये तो डोली इनकेपेक्स कहलाता है, यानी कि इस बच्चे को तो किसी भी हाल में उसने कोई भी क्राइम क्यों ना किया हो हम उसे सजा दे ही नहीं सकते, ये बच्चा तो डोली इनकेपेक्स हो गया। उसके बाद यहाँ एक बच्चा है जो कि 7 से 12 साल की उम्र का है,
इस केस में देखा जाएगा क्या उसके पास सफिशियंट मैच्योरिटी है या नहीं है, क्या उसके पास सफिशियंट मैच्योरिटी है या नहीं है, ये देखा जाएगा उस बच्चे के लिए। उसके बाद यहाँ एक बच्चा जो कि 13 साल से 18 साल तक की उम्र का है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो यही बच्चा है रियल सेंस में जो कि जस्टिस जुविनाइल एक्ट के अंदर कवर किया जाएगा अगर इस बच्चे ने क्राइम कर लिया। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, क्योंकि 7 साल तक का तो बच्चा कोई क्राइम कर ही नहीं गया सकता, 7 साल से 12 साल की रेफरेंस में सफिशियंट मेच्योरिटी देखी जाएगी। जैसे कि मैंने एक न्यूज़पेपर में एक और न्यूज़ सुनी थी कि एक 10 साल के बच्चे ने अपने साथी बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर किक कर दिया था और साथ में वो बच्चे की डेथ हो गई थी। उस बच्चे से पुलिस वाले ने पूछा तुमने उसे मार दिया, तो उस बच्चे का जवाब था मार दिया मरने का क्या मतलब होता है, यानी कि इस बच्चे को अभी पता भी नहीं था कि मरने का मतलब क्या होता है, यानी कि उस बच्चे को सफिशियंट मेच्योरिटी नहीं थी, सफिशियंट मेच्योरिटी नहीं थी। तो 7 साल से 12 साल तक का बच्चा वो भी प्रोटेक्टेड हो गया अगर उसे सफिशियंट मेच्योरिटी नहीं है। तो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट में रियल सेंस में सेक्शन 13 से 18 की एज के बच्चे को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं जो कि कन्फ्लिक्ट विद लॉ है। अगर वो बच्चा ऑर्फिन है तो हम प्रोटेक्शन देंगे, मगर वो प्रोटेक्शन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा होगा। इस केस में यहाँ ये चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब है। बोलिए भाई, ये बात भी आप लोगों को समझ आई कि क्या लिखा हुआ है, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब इसके रेफरेंस में मैं आप लोगों को एक चीज और बताता हूं, यहां एक स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है 16 से 18 साल के बच्चों के लिए, 16 से 18 साल के बच्चों के लिए एक डिफरेंट कैटेगरी बनाई गई है। ये क्या कहते हैं, 16 से 18 साल के बच्चों के लिए, ये कहते हैं इस केस में डिपेंड करता है कि उस बच्चे ने कैसा ऑफेंस किया है, यानी कि उस बच्चे ने पेटी ऑफेंस किया है, उस बच्चे ने सीरियस ऑफेंस किया है, उस बच्चे ने सीरियस ऑफेंस किया है, या फिर उस बच्चे ने यहाँ हीनियस ऑफेंस किया है, यहाँ उस बच्चे ने हीनियस क्राइम किया है, ये डिपेंड करता है। पैटी ऑफेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट होता है। अभी ये सारी बातें मैं आप लोगों को सेक्शन के थ्रू भी दिखवाऊंगा, मगर पैटी ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें 3 साल तक का पनिशमेंट होता है, सीरियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट होता है, और हीनियस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें 7 साल तक का ऑफेंस होता है, मोर देन 7 ईयर्स का पनिशमेंट होता है, ऐसे केसेस हीनियस ऑफेंसेस होते हैं। तो ऐसे केस में जो बच्चा 16 साल से 18 साल का है, जो बच्चा 16 साल से 18 साल का बच्चा है, ऐसे बच्चे को हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, हम ऐसे बच्चे को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, मतलब ऐसे बच्चे को हम इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे क्योंकि वो सिर्फ नाबालिग है उस केस में। भाई जैसे कि सुना होगा 17 साल के बच्चे ने किसी का रेप कर दिया, तो क्या ऐसे रेप कन्विक्ट को, ऐसे रेप एक्यूज्ड को हम ऐसे ही जाने दें, तो जवाब है नहीं। तो इस तरीके से यहाँ आप लोगों को डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा जो कि 16 से 18 साल के बच्चे हैं, और इस केस में पैटी ऑफेंसेस 3 साल तक का, सीरियस ऑफेंसेस मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का, और हीनियस ऑफेंसेस मोर देन 7 ईयर्स के केस में कहा जाता है। बोलिए भाई, ये बात समझ आई। भाई देखो, सेक्शन तो मैं पढ़ा दूंगा, मगर एटलीस्ट कॉन्सेप्ट गेन करना जरूरी है कि लॉ में हमें लिखा हुआ मिलेगा क्या। भाई व्हेन इट फॉल्स अंडर सेक्शन 84 और 85, बेटा कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का होता है वो 80 और 85 में फॉल होता है, ये तो सेक्शन 82 और 83 में फॉल होगा ना बेटा। बोलो बेटा, ये तो सेक्शन 82 और 83 में फॉल होगा। देखो सेक्शन पढ़ लेंगे कोई इशू नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहली बात, जस्टिस जुवेनाइल एक्ट कौन से बच्चों के लिए लिखा गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जुवेनाइल वर्ड आया कहाँ से, ये दूसरी चीज, और ये जस्टिस जुवेनाइल बनाने के पीछे का रीजन क्या है। तो मैंने आप लोगों को इसके रेफरेंस में सबसे पहले बताया कि भाई सिटीजन की जिम्मेदारी है स्टेट के ऊपर, मगर जब बच्चा हो तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को इसके रेफरेंस में बताया कि अगर यह
बच्चा है तो उसके रेफरेंस में हम उसे प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो अच्छा जीवन जी सके। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फंडामेंटल राइट और DPSPs लिखे हुए हैं, मगर वो बच्चा बिगड़ रहा है तो उसकी क्या प्रोटेक्शन ना करी जाए? तो पहले अगर बिगड़ रहा है तो उस केस में हम कहते हैं उसे डेलिक्वेंट चाइल्ड। क्या सर उसके लिए भी लॉ बना हुआ है? मैं बोलूंगा बिल्कुल लॉ बना हुआ है। कौन सा लॉ है बात करेंगे इसके बारे में बाद में। उसके बाद अगर बच्चा सोशल डेविएशन में है तो उसे हम कह रहे हैं डेलिक्वेंट चाइल्ड। अगर कोई बच्चा बिगड़ चुका है जो लॉ का वायलेशन कर रहा है तो उसे हम कह रहे हैं जुविनाइल। तो क्या सर जुविनाइल एक्ट में सिर्फ जो बच्चा क्राइम कर रहा है उसके बारे में ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम इस एक्ट के अंदर दो तरीके के बच्चों के बारे में बात करते हैं। एक है जस्टिस जुविनाइल एक्ट में जो बच्चा क्राइम कर चुका है, लीगल वॉयलेशन कर चुका है उसके बारे में, और दूसरी बात हम करते हैं जिस बच्चा ऑर्फिन है, जिसे बच्चे को पेरेंट्स नहीं है उस बच्चे के, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जुविनाइल की प्रोटेक्शन जस्टिस जुविनाइल बोर्ड के हाथ में, और जो पर्सन ऑर्फेन है उसकी प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं किसके थ्रू? उसकी प्रोटेक्शन की जा रही है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा। फिर से हम आए चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ पर, जहां 0 से 7 साल का बच्चा डोली इनकेपेक्स कहलाया, 7 साल से 12 साल का बच्चा सफिशियंट मेच्योरिटी है तो वो जुविनाइल बनेगा, वरना वो जुविनाइल नहीं बनेगा। तो रियल सेंस में जो चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ माना जाएगा वो जस्टिस जुविनाइल एक्ट सेक्शन 13 साल से 18 साल की उम्र के बच्चों से डील करता है। मगर 16 साल से 18 साल के बच्चे को हम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। कैसे केसेस में देखा जाता है कि उसने पेटी ऑफेंस किया है, सीरियस ऑफेंस किया है, या फिर हीनियस क्राइम किया है, उसके बेसिस पर। बोलिए भाई, क्या आप लोगों को ये बात समझ आई? सर आई आस्क्ड 84-85 की कंडीशन का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? क्या वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल होगा? बेटा आईपीसी के सेक्शन 84-85 की बात कर रहे हो या जस्टिस जुवेनाइल एक्ट की बात कर रहे हो बच्चे? आइए चलिए भाई आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब इसके रेफरेंस में मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहां अब इस केस में प्रोसीजर काम कैसे करता है। भाई इस केस में जो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट है इसका प्रोसीजर कैसे काम करता है एक बार मैं आप लोगों को ये बता देता हूं। भाई सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि कोई चाइल्ड है जो कि कन्फ्लिक्ट इन लॉ है, कोई चाइल्ड है जो कि इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है। अब इस केस में यहां क्या हो रहा है, अगर ये चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो इस बच्चे को यहां एप्रीहेंशन है पुलिस से, इस बच्चे को यहां एप्रीहेंशन है पुलिस से। इस बच्चे को यहां एप्रीहेंशन है पुलिस से, तो इस केस में यहां इस बच्चे की जो कस्टडी है, इस बच्चे की जो कस्टडी है वो किसे दे दी जाएगी? तो ये कस्टडी दे दी जाएगी स्पेशल पुलिस जुविनाइल यूनिट को, स्पेशल पुलिस जुविनाइल यूनिट को ये कस्टडी दे दी जाएगी बच्चे को। यानी कि जो नॉर्मल पुलिस है वो उसके अंदर एक डिवीजन होता है जो सिर्फ जुविनाइल वाले बच्चों से डील करते हैं, ठीक है। यहाँ जो है उसकी कस्टडी इसे दे दी जाएगी। उसके रेफरेंस में यहाँ ये इसे प्रेजेंट करेंगे 24 आवर्स में, इसे प्रेजेंट करेंगे 24 आवर्स में कहाँ? जस्टिस जुविनाइल बोर्ड के सामने, जस्टिस जुविनाइल बोर्ड के सामने इसे प्रेजेंट करेंगे। इसके बारे में यहाँ सेक्शन 4 कहता है। यहाँ ये जो स्पेशल जुविनाइल यूनिट है ये इन्फॉर्म करेगी पेरेंट्स को, ये इन्फॉर्म करेगी पेरेंट्स को और साथ में ये इन्फॉर्म करेगी प्रोबेशन ऑफिसर्स को, ये इन्फॉर्म करेगी प्रोबेशन ऑफिसर्स को। तो इस तरीके से यहाँ इसे प्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद यहाँ इस केस में अगर उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, अगर उस बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो मिल नहीं रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होगा? तो इस केस में यहाँ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाती है। देखो प्रोसीजर समझ लो, लॉ बड़े आसानी से समझ आएगा। ये लॉ जो है प्रोसीजरल लॉ है और हमें इसे प्रोसीजरल फॉर्म में ही पढ़ने और समझने की जरूरत है। हाँ जी, सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बारे में ये आप लोगों से बात कर रहे हैं।
अब उसके बाद मैं आप लोगों को इसके रेफरेंस में आगे लेके चलता हूँ। भाई मैं आप लोगों से कह रहा हूँ यहाँ इस पॉइंट पर, ये जो जस्टिस जुविनाइल बोर्ड है ये क्या करेगा, तो जस्टिस जुविनाइल बोर्ड यहाँ सेक्शन 12 के अंदर इस बच्चे को या तो बेल पर छोड़ देगा, इस बच्चे को या तो बेल पर छोड़ देगा जस्टिस जुविनाइल बोर्ड, या फिर ये जस्टिस जुविनाइल बोर्ड अगर इसे बेल पर नहीं छोड़ता है तो क्या होगा, नॉट रिलीज्ड ऑन बेल। अगर ये जस्टिस जुविनाइल बोर्ड इस बच्चे को बेल पर नहीं छोड़ता है तो क्या होगा, और इस केस में अगर बेल पर छोड़ता है या नहीं छोड़ता तो इसके रेफरेंस में सेक्शन 12 डील करता है। सेक्शन 12 डील करता है भाई, सेक्शन 12 आप लोगों से बात करता है इस केस में यहाँ क्या किया जाएगा, बेलेबल ऑफेंसेस के केस में, यहाँ क्या किया जाएगा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के केस में, ये आप लोगों से बात की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर वो बेल पर रिलीज नहीं किया जाता तो उस केस में उसे कहाँ रखा जाएगा, इसके बारे में आप लोगों से सेक्शन 12 डील करता है। अभी मैं आप लोगों को इसके रेफरेंस में सेक्शन 12 पढ़ाऊंगा, बट अभी मैं आप लोगों को प्रोसीजर बता रहा हूं कि प्रोसीजर कैसे काम करता है। इसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड यहाँ इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, यहाँ इंक्वायरी कंडक्ट करेगा, और अगर इस पर्सन को बेल पर नहीं छोड़ा जा रहा है तो इस पर्सन को ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया जाएगा। भाई ये ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है, जिसे हम कहते हैं बच्चे की बाल सुधार गृह, वहाँ इस बच्चे को भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये जो बच्चे को भेजा जाता है बाल सुधार गृह में, इसके बारे में सेक्शन 11 आप लोगों से डील करता है, और यहाँ जो जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड इसकी इंक्वायरी करता है इसके बारे में आप लोगों से सेक्शन 14 डील करता है। भाई देखो सारे सेक्शन ऐसे ही कवर होते चले जाएंगे जब हम प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं। फिर से बता देता हूँ क्या हुआ, किसी बच्चे ने क्राइम किया तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई कोई बच्चा जो है चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया, जैसे ही पुलिस ने पकड़ा पता चला ये तो जुविनाइल है, तो वो लोग स्पेशल जुविनाइल यूनिट को इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद अब पुलिस का रोल खत्म हो गया, पुलिस में एक अलग यूनिट होती है जो कि स्पेशल जुविनाइल यूनिट के बारे में बात करती है। वो पहले पता लगाएंगे क्या इसके पेरेंट्स हैं या नहीं है, अगर पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे और साथ में प्रोबेशन ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जस्टिस जुविनाइल बोर्ड के सामने प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद अगर इसके पेरेंट्स नहीं हैं तो इसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई जाती है, यानी कि ये बच्चा कहाँ से आया है, कैसे आया है और ये इन हालातों में कैसे पड़ गया, तो इसके रिगार्डिंग एक सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इस बच्चे के लिए तैयार की जाती है। अब उसके बाद जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के सामने बच्चा प्रेजेंट कर दिया गया। अब जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड जो है इस बच्चे को या तो बेल पर छोड़ देगा या फिर जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड जो है वो इस बच्चे को ऑब्जर्वेशन होम में भेज देगा, और अगर ये ऑब्जर्वेशन होम में चला गया तो ये वहाँ रहेगा सेक्शन 11 के अंदर, इसके बारे में बात की जाती है। उसके बाद जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड इसके रेफरेंस में इंक्वायरी करता है, जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड इसके रेफरेंस में इंक्वायरी करता है। ये जो इंक्वायरी के बारे में बताया गया है ये आप लोगों को सेक्शन 14 डील करता है, बोलिए भाई ये आप लोगों को सेक्शन 14 में डील करता हुआ नजर आएगा। अब इसके रेफरेंस में यहां आगे की बात करते हैं। भाई मैं ये कहता हूं जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड यहां इस केस में इंक्वायरी कर रहा है, तो उस केस में यहां इंक्वायरी के टाइम पर ये ऑर्डर पास करेगा। क्या ऑर्डर पास करेगा, क्या आप इस बच्चे ने कोई जुर्म किया है या नहीं, यानी कि क्या ये चाइल्ड कन्फ्लिक्ट इन लॉ है या नहीं है। जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड एक ऑर्डर पास करेगा क्या ये चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है या नहीं है, और या फिर ये है या नहीं है कन्फ्लिक्ट इन लॉ या फिर नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इसके रेफरेंस में आप लोगों से सेक्शन 18 डील करता है अगर उसने क्राइम किया है। अगर उसने क्राइम नहीं किया है तो इसके रेफरेंस में आप लोगों से सेक्शन 17 आप लोगों से डील करता है। बोलिए भाई क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है, बोलो जी दोस्तों क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। जी उसके बाद यहां ये इंक्वायरी कितने टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट की जाएगी, ये इंक्वायरी कितने टाइम के अंदर अंदर कंप्लीट की जाएगी, तो ये कहते हैं इस इंक्वायरी को टाइम है कंप्लीट करने का 4 महीने,
प्लस 2 महीने जो कि एक्सटेंडेड टाइम है, 4 महीने या फिर 2 महीने एडिशनल जो है इसके रेफरेंस में जो टाइम है वो इसके बारे में आप लोगों को बताया गया है, जो कि इसके बारे में बताया गया। बोलिए भाई, बात समझ आ रही है आप लोगों को इसके रेफरेंस में? हाँ भाई दोस्तों बताओ जी, क्या आप लोगों को ये बात समझ आ रही है? चाइल्ड इन कंफ्लिक्ट विद लॉ आप लोगों से क्या कहता है? जी, अब उसके बाद हम इसके रेफरेंस में आगे की बात करते हैं कि भाई जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड जो है वो किस तरीके से आगे काम करेगा, इसके रेफरेंस में हम लोग बात कर लेते हैं। आइए जी, तो जस्टिस जुवेनाइल एक्ट इसके बारे में क्या कहता है, आइए हम लोग आगे की बात करते हैं।